हेलो दोस्तों, आज हम दुनिया के कुछ ऐसे खतरनाक रोड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जहां ड्राइविंग करना कोई मजाक नहीं है। यहां एक्सपर्ट ड्राइवर्स भी ड्राइविंग करने से पहले 100 बार सोचते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां ड्राइविंग करने के लिए आपको अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक रोड्स के सफर पर लेकर जाने वाला हूँ। आप देख रहे हैं डैज़न ट्रैवल्स, तो चलिए बिना किसी देरी के सफर शुरू करें। नंबर 1, जोजीला पास हाईवे, इंडिया। भारत का जोजीला पास हाईवे दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में शामिल है। 3528 ऊंची पहाड़ी पर बनी यह सड़क करीब 9 किलोमीटर लंबी है। यहां सालों भर लोगों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि ये सड़क कश्मीर के जोजीला पास से गुजरती है और लद्दाख को तिब्बत से जोड़ती है। ये सड़क एक ऊंचाई पर बनी हुई है, जिसके कारण ये खतरनाक है। इस सड़क पर वाहनों को संभावित बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे खराब मौसम, गिरते हुए चट्टानों से गुजरना और स्थानों की कमी। इन सभी करने की वजह से ये रोड और भी खतरनाक बन जाता है। नंबर 2, काराकोरम हाईवे, पाकिस्तान। काराकोरम हाईवे दुनिया का सबसे ऊंचा इंटरनेशनल हाईवे है, जो चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। ये हाईवे पाकिस्तान के पेशावर से चीन के उत्तरी खंजराब पास तक जाता है और इसकी कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है। इसमें तूफान, भूस्खलन, भूमिगत बाढ़, ओलावृष्टि, बर्फबारी आदि कई जोखिम होते हैं, जो सफर को और भी खतरनाक बना देते हैं। इसके अलावा ये सड़क स्थानों पर बहुत ही तंग होती है, जिससे गाड़ियों को एक दूसरे से टकराने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए इस सड़क पर सफर करते समय अत्यधिक सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है। नंबर 3, पार्टियोपोलो पेर्दिका की रोड, ग्रीस। ग्रीस के पार्टियोपोलो पेर्दिका की सड़क दुनिया की खतरनाक सड़कों में से एक है। इस सड़क की लंबाई लगभग 24 से 25 किलोमीटर है और इसमें कई गड्ढे और तेज मोड़ होते हैं, जो इसे खतरनाक बनाते हैं। इस सड़क पर एक गलती सीधे खाई में ले जा सकती है। तेज मोड़ के कारण यहां गाड़ियां सही तरीके से मुड़ भी नहीं पाती है। इस वजह से एक्सीडेंट्स का खतरा हमेशा बना रहता है। नंबर 4, स्किपर कैनियन रोड, न्यूजीलैंड। स्किपर कैनियन रोड दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है, जो कि न्यूजीलैंड में स्थित एक डरावनी रोड है। इस पर गाड़ी चलाना बहुत ही खतरनाक होता है। ये सड़क वास्तव में बहुत ही जटिल है और इसके आसपास विशाल चट्टाने हैं, जो इसे और भी खतरनाक बनाती है। ये सड़क सबसे खतरनाक सड़कों में से एक होने के कारण इसके लिए वाहन चलाने के लिए विशेष लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यहाँ दो गाड़ियाँ एक साथ आर पार नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है। नंबर 5, लॉस कारकॉल्स पास, चिली। लॉस कारकॉल्स पास सड़क अर्जेंटीना और चिली के बीच एंड्रियास पर्वत से होकर गुजरती है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इस सड़क पर दुनिया भर के पर्यटक आते हैं। इस सड़क के रोमांचक ढलानों और तेज मोड़ों के कारण ये सड़क ड्राइवर्स के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। ये सड़क लगभग पूरे साल बर्फ से ढकी होती है, इस कारण यहाँ एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है। नंबर 6, पैसेज डू गोइस, फ्रांस। पैसेज डू गोइस सड़क अटलांटिक कोस्ट के समुद्र किनारे पर स्थित है और इस सड़क का नज़ारा वास्तव में बेहद खूबसूरत होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सड़क दिन में सिर्फ 2 बार 2 घंटे के लिए ही नजर आती है, बाकी समय टाइड के चलते ये सड़क पानी में डूबी रहती है, जिसके कारण ये सड़क पूरी तरह से गायब हो जाती है। इस कारण कभी कभी कई गाड़ियां फंस जाती है और कभी कभी ज्वार गाड़ियों को अपने साथ समुद्र में बहा ले जाता है। नंबर 7, टारोको जॉर्ज रोड, ताइवान। टारोको जॉर्ज रोड ताइवान की एक अनोखी सड़क है, जो खतरनाक होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। इस रोड का नाम न्यूजीलैंड के एक प्रसिद्ध संगीत निर्माता और संगीतकार टारोको जॉर्ज से रखा गया है। ये सड़क पहाड़ियों को काटकर बनाई गई है और इस सड़क के दूसरी ओर बहुत बड़ी खाई है। इस सड़क को बनाने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ये लंबी और सुरंगी सड़क पहाड़ों से गुजरती है, जिसके कारण ये सड़क एक सीमित स्थान पर जाने के लिए सही है। टारोको जॉर्ज रोड को नेचुरल वंडर के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा यह एक अनोखी प्राकृतिक आकर्षण है, जो अंडरग्राउंड नदियों और झरनों का रूप लेता है। इसे देखने के लिए आपको रोड से नीचे उतरना होगा और एक छोटे से ट्रैक के रास्ते से जाना होगा। नंबर 8, गोलियांग टनल रोड, चाइना। गोलियांग टनल की गिनती दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में होती है। ये चीन के हेनान प्रांत में स्थित 1.2 किलोमीटर लंबी सड़क और सुरंग है, जो गोलियांग के गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ती है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसी सड़क है, जो कोई गलती बर्दाश्त नहीं करती है। ऊंची चट्टान में से होकर ऐसे गुजरती है, जिसे देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे 13 ग्रामीणों ने बिना मशीनरी या बिजली के हथौड़ों के बनाया था। उन्होंने छेनी, हथौड़े जैसे अपने सामान्य उपकरणों से ही इसका निर्माण किया था।
उनको इस टनल को बनाने में 5 साल का समय लगा था। ये टनल 5 मीटर ऊंची और 4 मीटर चौड़ी है। इस टनल बनने के बाद गोलियांग एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया। आज ये साहसी यात्रियों को एक मनमोहक परिदृश्य प्रदान करता है। नंबर 9, नॉर्थ यंगर्स रोड, बोलिविया। रोड ट्रिप्स बेहद खास होती हैं, वो भी तब जब आप दोस्तों या परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकले हो। लेकिन अगर आप बोलिविया में हैं तो भूलकर भी यहाँ की एक बेहद खतरनाक सड़क पर ड्राइव करने मत निकलिएगा, क्योंकि ये आपकी आखिरी ड्राइव हो सकती है। हम बात कर रहे हैं बोलिविया की डेथ रोड की, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक रोड माना जाता है। नॉर्थ यंगर्स रोड को मौत की सड़क के नाम से भी जाना जाता है। इस रोड की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि एक वक्त था जब यहाँ हर साल लगभग 200 से 300 लोगों की मौत हो जाती थी। इसी कारण इसे डेथ रोड कहा जाता था। लगभग 70 किलोमीटर की इस सड़क पर लैंडस्लाइड, कोहरा और टूटते पहाड़ों का खतरा रहता है। सड़क 10 फीट से ज्यादा चौड़ी किसी किसी मोड़ पर ही होती है। 1930 के दशक में पैरागुए और ब्राजील के बीच लड़ी गई चाको वॉर के दौरान बंदी बनाए गए पैरागुए के कैदियों से इस रोड को बनवाया गया था। उन्होंने पहाड़ों को काटकर इसे बनाया था। ये रोड बोलिविया की राजधानी लापास को कोरोइको शहर से जोड़ती है। नंबर 10, किल्लार टू किश्तवाड़ रोड, इंडिया। अगर आप किल्लार से किश्तवाड़ रोड को कवर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इतनी ऊंचाई से किनारे से नीचे देखने की कोशिश भी न करें। ऐसी खड़ी ऊंचाई वाली ये सड़क देखने में ही बेहद खतरनाक है। ऐसे में अगर आप यहां से यात्रा करना चाहते हैं तो यहां जाने से पहले एक बार सोच लें, क्योंकि सड़क थोड़ी बजरी वाली, पथरीली और रेतीली है, जो इसे और भी खतरनाक बना देती है। साथ ही चट्टान भी इतनी झुकी हुई है कि इंसान को झुककर चलना पड़े। सबसे खतरनाक हिस्सा एक तरफ चंद्रभागा में 1000 फीट फ्रीफॉल और दूसरी तरफ एक पहाड़ी चट्टान है। सड़क पर ज्यादातर भूस्खलन की समस्या देखने को मिलती रहती है और हर समय लगभग खंडहर में रहती है। यही एक कारण है कि इस सड़क को दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक का खिताब दिया गया है। नंबर 11, द कोलिमा हाईवे, रशिया। वैसे आमतौर पर सड़क बनाने में ईंट, पत्थर से लेकर सीमेंट और डामर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस रोड को बनाने में इन चीजों के अलावा इंसानी हड्डियों का भी इस्तेमाल किया गया है। ये जानकर यकीनन आपको हैरानी तो हो रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है और इसी वजह से इस सड़क को रोड ऑफ बोन्स यानी हड्डियों की सड़क के नाम से जाना जाता है। असल में ये सड़क एक हाईवे है जो रूस के सुदूरवर्ती पूर्वी इलाके में स्थित है। इसका असली नाम कोलिमा हाईवे है, जो 2025 किलोमीटर लंबा है। इस वीडियो में हमने वर्ल्ड के कुछ सबसे खतरनाक रोड्स की बात की। ये सड़कें न केवल खतरनाक हैं, बल्कि उनके खतरे और संघर्षों के पीछे छुपी रोमांचक कहानियां भी हैं, जो आज हमने आपके साथ शेयर करी। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी ऐसे खतरनाक रोड्स के बारे में जानते हैं, जहाँ कभी लाइफ में ऐसी जगह पर घूमने गए हैं, तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास किसी विशेष विषय पर कोई सुझाव या सवाल है तो कृपया कमेंट्स में हमसे साझा करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो करें और हमारी वेबसाइट को भी विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।